पर कार्बेट नेशनल पार्क में अवैध निर्माण और 6000 पेड़ काटे जाने के मामले की जांच सीबीआई करने वाली है। कोर्ट ने कहा कि जांच के बाद ही मामले में सम्मिलित लोगों पर दोष सिद्ध किया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत, प्रमुख सचिव वन आनंद वर्धन समेत अन्य लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 6000 वृक्षों का अवैध पातन हुआ और एक टाइगर सफारी के नाम पर काफ़ी अवैध कंस्ट्रक्शन हुआ। इस बात का स्वतः संज्ञान माननीय उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2021 में लेकर राज्य सरकार से कार्रवाई के लिए कहा था। इस बीच दिसंबर 2021 में देहरादून निवासी अनुपंत ने जनहित याचिका दाखिल करके दोषी जो है पॉलिटिकल पर्संस और आईएएस अफसर और आईएफएस अफसर तीनों पर कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए थे, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तब 6 जनवरी 2022 को माननीय उच्च न्यायालय ने पुनः मुख्य सचिव को निर्देशित किया कि कार्रवाई की जाए और तब जाकर तत्कालीन डीएफओ कालागढ़ किशन चंद पर कार्रवाई हुई। लेकिन तब भी जो तत्कालीन वन मंत्री थे हरक सिंह रावत जी, जिनका नाम लगातार रिपोर्ट में आ रहा था, जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट थी जो माननीय उच्चतम न्यायालय में सबमिट हुई,